साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे, भाई पूरी दुनिया को पता है कोरोना वायरस की वजह से इतने हालात ख़राब हैं, और अभी भी मेरे पास, मैंने तो सोचा यार कोरोना वायरस की वजह से क्या लोग कमेंट करें, व्हाट्सअप करें या फिर, लेकिन फिर भी लोगों को चिंता होती रहती है क्योंकि किसी का पैसा डूबा है, किसी का पासपोर्ट स्टॉप है, किसी का वीज़ा, मतलब डर लगा रहता है कि यार अपना क्या होगा, क्योंकि भाई विदेश जाने वाले सब बंदे गरीब होते हैं बेचारे, ठीक, घर परिवार पालने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, विदेश में बैठे हैं उनको भी चिंता होती है, यहाँ जो बैठे हैं उनको भी चिंता है। तो कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ तहस नहस हो चुका है, आपको सबको पता है, सिस्टम पूरा क्लोज है, एकदम लॉकडाउन पड़ा है पूरा इंडिया में, देख लीजिए दुबई, कतर, कोई भी कंट्री में एक्सपायर्ड आप देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दुबई से रिलेटेड, कुछ न्यूज़ हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो जिनको पता नहीं है, तो थोड़ा नॉलेज उनको भी हो जाए। वीडियो अच्छा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज दुबई से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं साथियों, दुबई में दुबई से रिलेटेड बात करेंगे। दुबई में भाई बता दूं मैं, जितने भी प्रकार के फाइन हैं, फाइन्स जैसे किसी के 5,000 दराम लगे पड़े हैं, किसी के 10,000 जो होल्ड पड़े रहते हैं, दुबई का एक सिस्टम होता है, जैसे आप ड्राइवरी कर रहे हो, 2 साल तक आपने ड्राइवरी कर ली, 2 साल में कितने आपने फाइन करे, जो आपका वहाँ पे चलान होता है वो आपको जब आप इंडिया आओगे तब आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा, उससे पहले आप नहीं आ सकते। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक सहूलियत करी है, 50% डिस्काउंट अभी कर दिया है, जैसे आपके 5,000 दराम या 10,000 दराम आपका फाइन लगा पड़ा है तो आप 5,000 यानी आधे पैसे में आपका काम हो सकता है। अगर अभी की आप 2-3 महीने तक ये प्रोग्राम चलने वाला है तो भाई जो दुबई में रहते हैं उनके लिए बेस्ट न्यूज़ है, जिनके जैसे 5,000-10,000 जो वहाँ पर लगा है जुर्माना, वो आधे पैसे में आपका काम हो जाएगा। आगे मैं बात करूंगा साथियों वीज़ा के बारे में, किसी प्रकार का वीज़ा, चाहे वो आपका विजिट वीज़ा हो, चाहे आपका रेजिडेंशियल वीज़ा हो, चाहे आपका वर्क परमिट वीज़ा हो, अगर एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो आपका वीज़ा आराम से एक्सटेंड हो जाएगा अगले टाइम के लिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इंडिया के विजिट में गए हुए बंदे वहाँ बैठे हैं, उनके लिए भी मैं बता दूँ, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, पैसा लगेगा भाई, ये मान के चलिए डबल का खर्चा है, यहाँ पे मान लो 20 लग रहे तो उस टाइम आपको 2200-2300 दराम तक खर्चा देना पड़ सकता है, 3 मंथ वीज़ा अगर आप एक्सटेंड करवाते हैं दुबई में बैठे हुए, ठीक है, तो आपको ये खर्चा देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे मैं बात बता दूं साथियों, अगर आप कोई भी इंक्वायरी लेना चाहते हैं इमिग्रेशन हेल्प पे, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं वीज़ा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हेल्पलाइन नंबर, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की वीज़ा से रिलेटेड इंक्वायरी लेनी है दुबई में बैठे लोगों के लिए, तो मैं 2 नंबर दूंगा, उन नंबर पे आप बात करके अपना जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान वहाँ पे ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है साथियों। वहाँ पे आप अपना विजिट वीज़ा या रेजिडेंशियल वीज़ा या फिर वर्क परमिट वीज़ा, आप इंडिया आए हो, आप पाकिस्तान आए हो, आप नेपाल आए हो, कोई भी कंट्री आए हो, आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, रिन्यू की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा 100% रिन्यू हो जाएगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा भाई आप इंडिया आए हो, क्योंकि आपको पता है रेजिडेंशियल वीज़ा में 6 मंथ आप दुबई से बाहर रह सकते हो, अगर 6 मंथ आप ज़्यादा रहे तो वो वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, फिर आप नहीं जा सकते। तो उसमें आप इस जो नंबर दे रहा हूँ उस पर कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से जो वो प्रोसेस बताते हैं उसको फॉलो करें, आपका वीज़ा ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, जो चार्ज पे वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है साथियों। दुबई से रिलेटेड मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैं आप लोगों से शेयर कर दी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।